नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। कुकिंग बड्डी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सबसे सरल तरीके से दो तरह के पराठा बनाना बता रही हूँ, मसाला पराठा और पनीर चीज पराठा। इसके लिए मैंने ये आटा बना कर रख लिया है, पेड़ा बना के रख लिए हैं। मसाला पराठा बनाने के लिए ये पिसा हुआ जीरा है, चाट मसाला है, नमक है, गरम मसाला है, लाल मिर्ची है, चिली फ्लेक्स है और ये मेथी है, खड़ा धनिया है, अजवाइन है। और पनीर पराठा बनाने के लिए ये पनीर है, ये चीज़ है। सबसे पहले मैं मसाला पराठा बनाना बताती हूँ आप लोग को। ये थोड़ा सा मोटा बनता है, इसके बाद इसमें ऑयल लगा या घी जो भी आपको यूज करना है। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा मसाला इसको इस तरह फोल्ड करना है। ये इसके बाद इस तरह गोल करना है। इसके बाद इस पर थोड़े से धनिया डाल देते हैं। अजवाइन है ये। कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी अगर नहीं है तो धनिया भी डाल सकते हैं। उसके बाद हल्के आंच से बना लीजिए।